दोस्तों, आईपीएल का सीजन आया और साथ ही लाया रियान पराग की बैटिंग का तूफान। हाल ही के मैच में इस यंग डायनेमो ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपनी अनबीटन इनिंग से सबको प्रभावित किया और ऑरेंज कैप भी अपने नाम की। रियान आसम के एक छोटे से शहर से आने वाले एक ऐसे क्रिकेटर हैं जो अपने शानदार खेल और जुनूनी परफॉर्मेंस से हर किसी का दिल जीत रहे हैं। उनका सफर, जिसमें उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट से लेकर आईपीएल तक अपनी चमक बिखेरी, सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। पर आपको भी पता है, पिछले साल या कहो इस साल के आईपीएल की शुरुआत से भी पहले रियान पराग को एक लायबिलिटी के तरह देखा जा रहा था, पर इस खिलाड़ी ने अपनी मैच्योरिटी और परफॉर्मेंस से सबको चुप करा दिया। रियान पराग की कहानी सिर्फ क्रिकेट के मैदान की नहीं बल्कि एक युवा के डिटर्मिनेशन और परिवर्तन की गाथा है, जो दिखाता है कि मुश्किलों का सामना करके और मेहनत से कोई भी अपने सपनों को साकार कर सकता है। What a turnaround from last year. 7 matches, 78 runs last year. High score of 13. रियान पराग का जन्म 10 नवंबर 2001 को गुवाहाटी असम में हुआ था। क्रिकेट उनके लिए कोई अजनबी खेल नहीं था, क्योंकि उनके पिता पराग दास फर्स्ट क्लास के क्रिकेटर थे और उनकी माँ मिठू बारुआ नेशनल लेवल स्विमर रह चुकी थी। रियान ने अपनी क्रिकेट के सफर की शुरुआत अपने पिता के गाइडेंस में की, जिनकी कोचिंग ने उन्हें एक सॉलिड फाउंडेशन दिया। बचपन से ही रियान के अंदर एक अलग ही जुनून था। वो सिर्फ 4 साल के थे जब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और जल्द ही गुवाहाटी क्रिकेट एकेडमी में अपनी स्किल्स को निखारने लगे। उन्होंने असम के लिए वेरियस एज ग्रुप लेवल्स पर रिप्रेजेंट किया और अपने परफॉर्मेंस से सबको इम्प्रेस किया। रियान पराग की क्रिकेट जर्नी में एक अनोखा मोड़ तब आया जब वो सिर्फ 14 साल के थे। उन्होंने अपने क्रिकेटिंग स्किल्स और टैलेंट से सबको प्रभावित किया था और यही वजह थी कि उन्हें इतनी कम उम्र में ही असम के लिए पिक किया गया। उनका सिलेक्शन असम के स्टेट टीम के कोच सनत कुमार के विजन का नतीजा था, जो रियान के पोटेंशियल को पहचानते थे और उन्हें एक मौका देना चाहते थे। लेकिन सेलेक्टर्स और कोच के बीच में मतभेद होने की वजह से रियान को तुरंत फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका नहीं मिला। फिर भी रियान ने हार नहीं मानी और अपने गेम पर काम करते रहे। उन्होंने 2016-17 इंटर स्टेट 2020 टूर्नामेंट में असम के लिए अपना T20 डेब्यू किया और सबको अपने परफॉर्मेंस से इम्प्रेस किया। इसके बाद उनकी मेहनत रंग लाई और अक्टूबर 2017 में उन्हें ACC अंडर 19 एशिया कप के इंडियन स्क्वाड में जगह मिली। फिर उन्होंने 17 नवंबर 2017 को असम के लिए रणजी ट्रॉफी में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज ने उन्हें जल्द ही लाइमलाइट में ला दिया और वो इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर स्टार्स में से एक बन गए। अच्छा, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? कर लो, हम वेट करते हैं, जल्दी करो। उनके बल्ले से एक और इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस निकला जब रियान ने इंग्लैंड के खिलाफ यूथ टेस्ट में 2 हाफ सेंचुरी जड़कर सबको अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। रियान ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने आक्रामक बैटिंग स्टाइल और यूजफुल लेग ब्रेक बॉलिंग से काफी नाम कमाया। उनकी हार्डवर्क और डेडिकेशन ने उन्हें 2018 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप तक पहुंचाया, जहां टीम को जीत दिलाने में उनका इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था। रियान पराग के क्रिकेटिंग सफर में अंडर 19 वर्ल्ड कप का एक खास मोड़ आया जब उन्हें एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। वार्म अप गेम्स के दौरान रियान ने अपनी उंगली को चोट पहुंचा ली थी, जिसकी वजह से उनका खेलना मुश्किल हो गया था। लेकिन रियान ने हार नहीं मानी। उन्होंने दर्द और तकलीफ को पीछे छोड़ जिम्बाब्वे के खिलाफ फाइनल ग्रुप गेम में मैदान पर उतरकर सबको हैरान कर दिया। इस मैच में उन्होंने ना सिर्फ अपने स्पिन बॉलिंग से एक विकेट लिया बल्कि अपने करेज और दमदार परफॉर्मेंस से टीम को एक क्रूशियल मैच में जीत दिलाने में मदद की। उनकी इस हिम्मत ने साबित कर दिया कि रियान सिर्फ एक टैलेंटेड खिलाड़ी नहीं बल्कि एक फाइटर भी हैं। उनका ये जुनून और डेडिकेशन ही उन्हें आज आईपीएल में हीरोइक्स दिखाने की ताकत देता है। रियान पराग का आईपीएल जर्नी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। उनका सिलेक्शन आईपीएल में 2019 के ऑक्शन में हुआ था जब राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें पिक किया। रियान ने अपने डेब्यू सीजन में ही सबको इम्प्रेस किया था जब उन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में आईपीएल में 50 स्कोर करके रिकॉर्ड बनाया था। उनकी परफॉर्मेंस में अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने उनमें जो पोटेंशियल देखा था उस पर भरोसा रखा। 2020 और 2021 में उनके रन्स कम आए, लेकिन फिर भी RR ने उन्हें 2022 के मेगा ऑक्शन में वापस बाय किया एक बड़े अमाउंट में।
राजस्थान रॉयल्स ने रियान पराग को रिटेन करने का फैसला उनके पोटेंशियल और इम्प्रूवमेंट पर भरोसा करके किया। पिछले सीजन्स में हालांकि उनके परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं थे, लेकिन आरआर मैनेजमेंट ने उनकी पोटेंशियल पर विश्वास जताया और उन्हें एक और मौका दिया। रियान ने भी इस भरोसे को कायम रखा और ऑफ सीजन में कड़ी मेहनत करके अपने गेम को सुधारा। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने परफॉर्मेंस से साबित किया कि वो एक वैल्यूएबल प्लेयर हैं। रियान पराग ने हाल ही में डोमेस्टिक क्रिकेट में एक यादगार परफॉर्मेंस दिया है जो उनके कॉन्फिडेंस को नई उड़ान दे रही है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लेटेस्ट एडिशन में रियान ने टॉप ऑर्डर बैटर के रूप में खेलते हुए 510 रन्स बनाए, जिसमें उनकी एवरेज थी 85 और स्ट्राइक रेट था 182.79। इस शानदार परफॉर्मेंस ने उन्हें टूर्नामेंट का लीडिंग रन स्कोरर बना दिया। लेकिन यही नहीं, देवधर ट्रॉफी में भी रियान ने अपने बैट से आग लगा दी। ईस्ट जोन के लिए खेलते हुए उन्होंने 5 मैचेस में 354 रन बनाए, जो कि टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा थे। साथ ही उन्होंने अपने स्टेडी ऑफ स्पिन बॉलिंग से 11 विकेट्स भी लिए। ये परफॉर्मेंसेज उनके लिए बहुत जरूरी थे, क्योंकि पिछले कुछ आईपीएल सीजन्स में उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा था। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने इस कमबैक से रियान ने सबको दिखाया कि वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं और उनमें अभी भी वही टैलेंट और जुनून है जो उन्हें एक दिन इंडिया के लिए खेलने का मौका दे सकता है। रियान ने कहा कि पिछले कुछ सालों में जब उनके रन्स नहीं आए तो उन्होंने बहुत सोचा और अलग अलग चीज़ें ट्राई की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। इसीलिए इस साल उन्होंने डिसाइड किया कि वो सब कुछ सिंपल रखते हुए सिर्फ बॉल को देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग शॉट खेलेंगे, और यही सोच उनके लिए काम आई, जैसे कि हमने आईपीएल 2024 में देखा, जहां उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ अनबीटन 54 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई और खुद ऑरेंज कैप भी हासिल की। रियान ने अपने क्रिटिक्स को गलत साबित किया और दिखाया कि वो एक मैच विनर हैं। तो दोस्तों, ये थी रियान पराग की क्रिकेट की कहानी, एक लड़का जो गुवाहाटी के गलियों से निकलकर क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर अपना नाम रोशन कर रहा है। उनकी जर्नी ने हमें सिखाया है कि मेहनत, लगन और जुनून से किसी भी सपने को हकीकत में बदला जा सकता है। उनकी कहानी हम सबको ये याद दिलाती है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। मुश्किलें आएंगी, लेकिन उनका सामना करने वाले भी हम ही होंगे। उनकी कहानी से इंस्पिरेशन लेकर आइए हम भी अपने सपनों की तरफ एक कदम बढ़ाएं। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, सपने वो नहीं जो हम सोकर देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा, नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।